डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तैयारी अपना मजबूत करना है। पूरे 80 में से 80 क्वेश्चंस करने लायक तैयारी करना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान से आप लोग सीखेंगे और कलम कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। समझते हैं डेसिमल आया कहाँ से है, दशमलव नंबर क्या होते हैं। जैसे कि 2.34, इसको क्या पढ़ेंगे, 2.34, हिंदी में कहेंगे 2.34 और यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे 2.34। यहाँ पर पॉइंट को हम थोड़ा बड़ा लगाएंगे ताकि ये कैमरे में साफ आए। तो इसके आगे जीरो जितना है उतना हम बढ़ा सकते हैं, जितना हमको ज़रूरत है उतना जीरो हम बढ़ा सकते हैं। लास्ट से, जहाँ पर एंड होता है डेसिमल, उसके बाद से, या अगर लगा है तो उसको हटा भी सकते हैं। आगे भी जितना मर्जी उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। इस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये 2.34 ही रहेगा, 2.34 ही रहेगा। दशमलव के बाद वाले नंबर को अलग अलग करके पढ़ते हैं, जैसे कि 3.458, तो इसको पढ़ेंगे 3.458, न कि 3.458, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। तो अलग अलग करके पढ़ते हैं, 4, 5, 8 डिजिट लेते हैं ऐसे। इसके बाद जितनी इच्छा उतनी जीरो बढ़ा सकते हैं, यदि ज़रूरत है, जैसे एडिशन में बढ़ाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में भी, पहले भी, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो पहले भी जितना मर्जी उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू इसका चेंज नहीं होगा। इस जीरो को हम हटा भी सकते हैं, सबको मिटा दें तो ये फिर से वही हमारा पुराना वाला नंबर मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसकी जब ज़रूरत होगी जीरो बढ़ा देंगे, जब ज़रूरत होगा हटा देंगे, लेकिन बीच में यदि जीरो लगा रहे, जैसे कि 3.048, तब क्या इस जीरो को हटा सकते हैं, क्या इस जीरो का वैल्यू है, हाँ है, तब इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। 3.048 है तब नहीं हटा सकते हैं। किनारे लास्ट में लगातार जीरो रहे तब हटा सकते हैं, पहले लगातार जीरो रहे तब हटा सकते हैं। अच्छा, ये दशमलव आया कहाँ से, तो इसको समझते हैं। ये आया फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन में कैसे आया है, जैसे कि 4/5 ले लें, 4/5, 5 से 4 को डिवाइड करना है, या यहाँ पर ले लेते हैं 18/4, 4 से डिवाइड करना है 18 को, नीचे वाले से ऊपर वाले डिवाइड करते हैं। इसको पहले समझते हैं फिर इसको समझते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं 4 को, क्या डिवाइड होगा, 5 से 4 में भाग नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से क्या होगा, दशमलव लगाने से यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव को भाग में और डिटेल में बताएंगे कैसे। तो दशमलव लगाने से यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया। अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आगे एक जीरो लगा देते हैं। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ इसके बाद दशमलव है। अब यहाँ पर जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने से यहाँ पर जीरो बढ़ा है, न कि इस जीरो की वजह से। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 40 है, 5 × 40, तो ये हमारा आ गया दशमलव में। जब 4 में 5 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.8, 0.8। ऐसे ही यहाँ पर 4 से 18 भाग देते हैं तब क्या आएगा, 4 से भाग देते हैं 18 में, तो 4 का पहाड़ा 18 में जाएगा, अभी जाएगा 4 × 16, यहाँ आया 16, 8 में 6 गया 2, यहाँ पर कट गया, फिर यहाँ 2 में नहीं जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाने से अब यहाँ पर जीरो बढ़ेगा, 4×5 = 20। ये दशमलव आया कहाँ से, तो ऐसा है कि जैसे कि कोई नंबर लिखे हैं 2, तो 2 के बाद भी डेसिमल है, दशमलव है, कहाँ है, इसके जस्ट बाद, यहाँ दशमलव लगाकर जितनी इच्छा उतनी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ था, यहाँ पर 18 है, 18 के बाद पॉइंट था और जीरो थे, तो जितने जीरो हैं उतने बढ़ा सकते हैं जितनी ज़रूरत है। यहाँ पर हम 2 जीरो लिए हैं समझने के लिए बस, लेकिन यहाँ उतरा सिर्फ 1 ही जीरो है यहाँ पर, क्योंकि हमको 4 से पाड़ा गया, यहाँ पर 4 × 16, 8 में 6 गया 2, अब 2 के बाद भाग जाएगा नहीं, तो ये जो दशमलव है दशमलव वाले को इधर भेज दिए हैं। ये दशमलव सभी नंबर के बाद रहता है, जो भी हम यहाँ पर होल नंबर लिखते हैं या अन्य नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखे हैं, कोई भी नंबर, तो उसके बाद जैसे 48 लिखें, इसके बाद डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, इसके बाद जितनी इच्छा उतनी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो डेसिमल के बाद जीरो हैं, डेसिमल सभी जीरोज हैं। अगर कोई डेसिमल नहीं लगा है तब भी वहाँ पर डेसिमल है, ये हमको दिमाग में रखना है और तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हो गया डेसिमल आया कहाँ से है, यूज कैसे करना है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, और भी बड़ा छोटा कैसे जानेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे सीखेंगे। पहले एडिशन से ही शुरू करते हैं, बड़ा छोटा जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सीख जाएंगे कि कैसे होता है। तो इसको मिटा देते हैं और समझते हैं कैसे ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन।
तो सबसे पहले हमारा है डेसिमल का एडिशन, यहाँ पर एडिशन कैसे हम लोग जोड़ेंगे, योग कैसे निकालेंगे, योग निकालना, एडिशन को योग कहते हैं हिंदी में। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ नंबर्स दे देंगे और कहेगा इन डेसिमल नंबर्स का योग क्या होगा, तो उनको यहाँ पर लिखने की जो स्थिति है उसको ध्यान देना है। डेसिमल के पहले, डेसिमल में दो पार्ट होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर कोई लिखे हैं 28.405, तो ये डेसिमल नंबर में दो पार्ट हैं। एक है ये वाला जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, इसको कहते हैं होल नंबर पार्ट या पूर्ण संख्या का भाग, पूर्ण संख्या है ये। और इसके बाद इस बाद वाले भाग को दशमलव का भाग कहते हैं, यानी कि ये पार्ट जो है दशमलव संख्या का भाग है, दशमलव पार्ट है, ठीक, डेसिमल पार्ट है। तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। अब इन दो पार्टों की तुलना में हम लोग लिखेंगे इसको बारी बारी से, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए एडिशन में। जैसे हमको मान लेते हैं एग्जांपल में ऐड करना है यहाँ पर 3.28 प्लस 4.34, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को पहले ऐसे लिखेंगे 3.28 पहले वाला जो नंबर है पूरा लिख लिए, फिर इसके बाद डेसिमल यहाँ पर है और यहाँ पर इसका डेसिमल है, तो 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर इसका डेसिमल है, इस डेसिमल के नीचे ये वाला डेसिमल, डेसिमल के पहले 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 है, जस्ट बाद 3 है, यानी कि बाद वाले नंबर के नीचे बाद वाला लिखेंगे डेसिमल के बाद वाले में, और यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4.34 है 4.34 लिखे हैं, ऊपर 3.28। अब माइनस यहाँ पर ऐड करना है, प्लस करेंगे, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है, 8 4 12 12 का 2 1 बचा, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर 4 3 7, दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे इस तरह, तो हमारा आंसर आया 7.62, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही जब नंबर्स अलग अलग, यानी कि कोई बड़ा नंबर है कोई छोटा नंबर है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट है एग्जांपल, सेकंड 48.968 प्लस 4.62853, इसको ऐड करना है। इसको कैसे ऐड करेंगे, एक नंबर यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर दो अंक बाद है, दो नंबर बाद यहाँ पर डेसिमल लगा और यहाँ पर एक ही नंबर बाद डेसिमल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक नंबर को पूरा पूरा लिख लेंगे जो पहला वाला है, इसको लिख लेते हैं ऐसे 48.968, और नीचे इस नंबर को लिखना है, लेकिन इस नंबर को लिखते हुए ध्यान देना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, डेसिमल के जस्ट पहले जो नंबर है वो जस्ट पहले ही आए, डेसिमल के जस्ट बाद जितने हैं 6, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 8, फिर 5, फिर 3, इस सबको लिख लेंगे। अब देखेंगे किसी नंबर के नीचे खाली है, किसी नंबर के ऊपर खाली है, तो हम जानते हैं डेसिमल नंबर के लास्ट के बाद हम जीरो बढ़ा सकते थे, यहाँ पर जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर जीरो बढ़ा लिए और एक यहाँ पर जीरो बढ़ा लिए। अब इसको ऐड करेंगे, जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है सिंपल, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल है वो यहीं आकर लग जाएगा, तो 3 है यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 हो गया, 8 8 16, 6 2 8 और 1 9, 9 6 15 5, यहाँ पर 8 4 12 और 1 13, 4 1 5 हो जाएगा, तो 53.59653 ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह ऐड करेंगे, यदि आपको ऐसे लिखने आ जाता है तो आप एकदम सही ऐड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं ऐड करना, ऐड करने सबको आता है, तभी आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे और बढ़ते हैं और हम लोग घटाना समझते हैं, सब्ट्रैक्शन समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एक और एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर ही, थर्ड वाला, यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए, तो इसको सॉल्व करते हैं 3.004 प्लस 0.96, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.004 और नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0.96 है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएं, डेसिमल के जस्ट पहले क्या है 0 है, 0 लिखे हैं, और फिर डेसिमल के जस्ट बाद क्या है 9 है, और इसके जस्ट बाद 6 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ गया। अब इसको ऐड करेंगे, 4 का 4 उतर गया, 6 और 0 जुड़ेंगे 6, 9 और 0 9, यहाँ पर दशमलव, 3 का 3, 3.964 ऐसे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, इसको मिटा करके, अब यहाँ समझते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में, सब्ट्रैक्शन घटाना, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे डेसिमल नंबर्स को, तो एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। वैसे ही जैसे कि 4.32 में से माइनस करिए 0.846 को, तो इसको माइनस करना है,
जैसे हम लोग एडिशन में लिखते थे, पहले एक नंबर को लिख लेते थे, उसके नीचे दूसरे वाले को, लेकिन दूसरे वाले को लिखते हुए ध्यान देते थे कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, वही काम करेंगे, 4.32 को लिख लेंगे पहले वाले को, बाद वाले को बाद में लिखेंगे, इसके नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले जीरो है जीरो लगाएंगे, डेसिमल के बाद 8.46 है तो 8.4 और फिर 6 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। इस तरह आपको लिखने आना चाहिए, एकदम सही आना चाहिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल है, जस्ट बाद वाले जस्ट बाद में लिखा जाए, जस्ट पहले वाला पहले, उसके बाद वाला लाइन से ऐसे लिखे जाएं। और यहाँ पर ऊपर जीरो बढ़ा देंगे अगर कोई नंबर नहीं है तब, क्योंकि जीरो लिखना ज़रूरी है तभी हम लोग घटा पाएंगे। अब यहाँ पर ये इसको हासिल देगा, यहाँ पर 10 में 6 गया 4, ये हो गया 11, और एक हासिल लेगा तो क्या होगा 11, 11 में से 4 गया 7, फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी हासिल ले सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कैरी नहीं ले सकता है, ले सकता है, डेसिमल से कोई बाधा नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा अपने आप। यहाँ पर यह हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, ये 3 हो जाएगा, 3 उतर गया। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, दशमलव का विशेष ध्यान देंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई नंबर सिर्फ लेते हैं, जैसे कि 8, आपको क्वेश्चन देगा 8 में से माइनस करिए 3.526 इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 में से इसको घटाना है, 8 के बाद डेसिमल है ही नहीं, तब कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल नंबर को। तो 8 के बाद डेसिमल नहीं, डेसिमल लिखेंगे, किसी नंबर के बाद डेसिमल लगा सकते हैं और जितनी मर्जी उतनी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 1, 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरो ले लेते हैं, ठीक, जितना ज़रूरत है। अब यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, दूसरे वाला नंबर को सिर्फ ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद जस्ट क्या है डेसिमल के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है तो इस नंबर के नीचे 2 और फिर 6 है तो 6। अब माइनस करेंगे यहाँ पर, ये कैरी देगा सबको, 8 जो है, जीरो इसको नहीं दे पाएगा, तो जीरो में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा इसको, ये इसको, ये इसको, 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया यहाँ पर आ गया 4, ये हो गया 9, क्योंकि ये कैरी लिया था 10 था, अब इसको दिया था तो 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 7 और यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर दशमलव, और ये हमारा हो गया 7, 7 में से 3 गया 4। इसको जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करेंगे, 2 से 3 नंबर भी हो सकते हैं, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं कि एक नंबर में से दूसरा घटाइए, जो आए उससे तीसरा घटाइए, तो इसमें बारी बारी करना पड़ेगा घटाने में, ऐड में एक बार लिख करके घटा सकते हैं लंबा सा। यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझते हैं अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, हम आपको क्वेश्चन देंगे लास्ट में, उसको सॉल्व करके बताइएगा। इसको मिटा देते हैं, तब तक गुणा को समझते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे डेसिमल नंबर्स का, तो इसमें देखना हमको गुणा में कि पीछे से कितने अंक बाद डेसिमल लगा है, गुणा में क्या देखना है पीछे से कितने अंक बाद डेसिमल लगा है। जैसे 4.28 का गुणा करना है 4 में, क्या आएगा, तो हम लोग ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, 4.28 इंटू 4 लिखेंगे, और जब तक हम लोग गुणा करेंगे तब तक मान लेंगे कि यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा है। गुणा करते हैं, 4 8 32 2 3 आया, 4 3 12, 4 2 8 3 11, 1 4 4 16, 1 17, यहाँ पर आया 17, 1712। अब देखेंगे कि डेसिमल कहाँ है, पीछे से यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद 2 अंक है, या पीछे से गिनेंगे कि 1 2 अंक बाद यहाँ पर डेसिमल लगा है, तो डेसिमल के बाद 2 अंक है तो पीछे से गिनकर 2 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, नीचे जो आया है आंसर, तो 1 2 अंक बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यही आंसर हो गया। इसको ऐसे लिख देंगे 17.12 हमारा आंसर है। ऐसे ही अन्य नंबर लेते हैं, 2 अंकों का लेते हैं जिसमें ऊपर नहीं, ऊपर भी डेसिमल लगा रहे हैं, नीचे भी डेसिमल लगा रहे हैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकंड वाले लेते हैं, 3.206 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 24 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी डेसिमल ले लेते हैं यहाँ पर एक अंक बाद, 2.4 का मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स का वैसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे 3.206 इंटू 2.4 लिख लेंगे और गुणा कर देंगे, 4 6 24 के 4, 4 24 लिख देंगे, 4 2 8, 4 3 12, यहाँ पर हो गया, फिर 2 का गुणा, 2 6 12, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ हो गया 12 और फिर 2 2 4, 2 3 6, इस तरह गुणा कर लेंगे।
अब ऐड कर देंगे लास्ट में, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं लगाना बीच में। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर डेसिमल लगा है, यहाँ पर लगा दें या यहाँ चिपका दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब तक लास्ट में जोड़ न दें तब तक डेसिमल नहीं लगाना। अब जोड़ लेते हैं, चार आ गया, दो दो चार, आठ और एक नौ, चार दो छः, छः और एक सात। अब गिनेंगे ऊपर की डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे, डेसिमल का कितने अंक हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पर तीन अंक हैं ऊपर और यहाँ पर एक डेसिमल के बाद एक अंक है, तीन और एक चार अंक है, टोटल चार अंक। तो चार अंक पीछे से चार अंक गिनकर डेसिमल लगाएंगे, एक दो तीन चार, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जब डेसिमल ऊपर भी रहे नीचे भी रहे। हंड्रेड वाला या जो थाउजेंड वाला है, इन सबका गुणा कैसे करना है उसको हम बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे डायरेक्ट कर देते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। एक और देखते हैं गुणा में ही, यहाँ पर थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कुछ अलग लेते हैं। जैसे 2.34 इंटू 0.002 करना है, तब क्या करेंगे, एक तरीका है कि ऐसे गुणा करें और तब लिखें आंसर क्या आएगा। दूसरा है कि जीरो का गुणा करना ही क्यों है, जीरो का गुणा करेंगे तो हम लोगों को जीरो ही मिलेगा और जीरो जो है वो सब इधर मिलेंगे। जैसे कि इसको अगर गुणा करें तो कुछ इस तरह होगा, आधा ही करके समझते हैं कि क्या हो सकता है। 0.002, इसमें ये जरूरी नहीं है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाए, कहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। तब यहाँ पर क्या होगा, दो चौक आठ, दो तीन छः और दो दूनी चार, फिर जीरो का गुणा होगा, जीरो 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 आएगा, फिर जीरो का होगा सेकंड वाले का, यहाँ जीरो, फिर थर्ड वाले जीरो का होगा तो यहाँ पर एक जीरो, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह हो जाएगा। ऐड करेंगे तो यहाँ एट, यहाँ पर आ गया सिक्स, फोर और सभी जीरो। तो क्या इन जीरो का कोई वैल्यू है, किसी नंबर के पहले कोई जीरो रहे कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं। तो और इसके बाद डेसिमल समझ लेते हैं, यहाँ पर है, अब गिनते हैं एक दो, डेसिमल बाद कितने नंबर हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच अंक हैं टोटल। डेसिमल बाद कितने अंक हैं, दसमलव बाद, ऊपर दो अंक और नीचे तीन अंक, तीन दो पाँच अंक, एक दो तीन चार पाँच, पाँच अंक बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो 0.00468 ये आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका गुणा इसमें डायरेक्ट कर देते, दो चौक आठ, पीछे से गुणा कर दें, दो चौक आठ आ गया यहाँ पर और फिर दो तिया छः आ गया, फिर दो दूनी चार आ गया, ये हो गए तीन नंबर्स। अब इसके पहले जितने बचे, क्योंकि इसके पहले जीरो ही है तो जीरो को गुणा नहीं करना है, इस तरह जितने मिलेंगे तो आपको क्या करना है, गिन लेना है डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, एक दो अंक यहाँ पर हैं, एक दो तीन अंक यहाँ पर हैं, तो तीन दो पाँच अंक, एक दो तीन चार पाँच और यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 0.00468। इस तरह कर लेंगे डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किए ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा, और जब जीरो जीरो वाले रहें तो ऐसे ही कर लेना है। इस तरह रहेगा तो यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा जब बड़े बड़े नंबर्स दोनों रहें, लेकिन सिंपल नंबर रहें तो कर सकते हैं, जीरो जीरो ज़्यादा भरे रहें तब, आगे या पीछे ढेर सारे जीरो लगे हों। तो आगे बढ़ते हैं, डिवीजन को थोड़ा बहुत देखते हैं, डिवीजन लंबा टॉपिक है तो उसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। अगला हमारा टॉपिक है डिवीजन, कैसे करेंगे हम डेसिमल नंबर का डिवीजन, यानी कि भाग कैसे देंगे, डिवीजन भाग कैसे करेंगे डेसिमल नंबर का, यदि डेसिमल से डेसिमल नंबर भाग देना वो कैसे करेंगे, या डेसिमल नंबर में बिना डेसिमल वाले से भाग कैसे देंगे वो भी समझना है, और बिना मतलब दोनों डेसिमल में नहीं है लेकिन फिर भी डेसिमल में कैसे ला सकते हैं वो भी समझना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5/6 है, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करिए 5 को, तो कैसे करेंगे, ऐसे आप भाग देते हैं जैसे वैसे ही करेंगे, 6 से 5 में भाग देंगे। सबसे पहले 5 में भाग जा ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले ही डेसिमल और इस डेसिमल के पहले एक जीरो। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाइएगा, इससे पता चलेगा डेसिमल यहाँ लगा है। अब इस डेसिमल की वजह से हम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 6 का पारा पढ़ेंगे, 6 से पारा पढ़ेंगे 50 के नज़दीक, 6 8 48 48 आया, फिर यहाँ आएगा 2, ये कट गया, फिर यहाँ 0। एक डेसिमल की वजह से हम हर स्टेप में जितनी बार घटाने पर मिलेगा, यहाँ पर 2 मिला है, अब इसके बाद हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 6 3 18, फिर यहाँ आएगा 2 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर 6 3 18, और ऐसे ही भाग देते जाएंगे, दो के बाद जीरो बढ़ते जाएगा आते जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये 0.83333333 ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.83 पे बार,
बार लगाने का मतलब है जो चीज़ बार बार रिपीट कर रही है उसके ऊपर ऐसे ही लाइन खींच देते हैं। ऐसे बार बार लिखने के बजाय हमें इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, उसको कहेंगे बार, यानी कि वो चीज़ कई बार आया है, कई टाइम्स आया है। आगे ऐसे समझते हैं, यदि हमको डिवीजन करना रहे जिसमें कि डेसिमल में न रहे लेकिन कोई बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पर ले लेते 24/9, 9 से भाग देना 24 में। अब क्या होगा, 9 से भाग देंगे 24 में तो एक बार तो भाग जाएगा, 9 × 18, 9 × 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 × 18 यहाँ आएगा 6, ये कट गया। अब इसके बाद 6 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, इस दशमलव की वजह से जीरो बढ़ा है। अब हर स्टेप में एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 6 से 9 का पारा पढ़ेंगे, 9 × 63, 9 × 54, फिर आएगा यहाँ पर 6, फिर यहाँ कट गया, फिर जीरो बढ़ेगा, फिर 9 × 54, फिर यहाँ पर 6, ऐसे ही चलते रहेगा, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका आंसर होगा 2.6666, ऐसे चलते रहेगा 2.6 पे बार हो जाएगा। आगे और समझते हैं यहाँ पर और डिवीजन को, और यहाँ पर क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे 223.643, इसको डिवाइड करना है, मान लेते हैं हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से तो कितना आएगा आंसर, तो यहाँ 11 से भाग देते हैं, इसको 11 से भाग देंगे 23.643 में, तो 11 से पहले यहाँ पर 23 में भाग जाएगा, 11 × 22, यानी कि जरूर नहीं कि पहले डेसिमल लगा दें, हमको जब डेसिमल यहाँ पर आएगा तब वहाँ पर भेजेंगे इसको, जो ही डेसिमल से मुलाकात हो उसको इधर भेज देना है। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया, फिर अब डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारना है तो क्या करेंगे, डेसिमल को उधर भेजेंगे, तो डेसिमल यहाँ आ गया, अब यहाँ 6 उतरेगा, 11 × 11, 6 में से गया 5, ये कट गया, 4 उतरेगा, अब 11 से पारा पढ़े 54 से छोटा, 11 × 44, 44, फिर यहाँ आएगा 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 1, 103, 3 उतर गया, अब 11 पारा में 103, 11 × 99, 99 से कम होगा, 9 × 4 = 13, ये कट गया, ये आया 4। अब इसके बाद हम एक जीरो बढ़ाकर और भी बड़ा भाग ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाए हैं, तो एक और जीरो बढ़ा देते हैं, 11 × 3 = 33 और जाएगा 70, फिर ऐसे ही हम लेते जाएंगे, ये भाग चलते चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.1493, ऐसे ही आएगा। जब ऊपर और नीचे दोनों रहे यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है, तब क्या करेंगे उसको समझते हैं इसके बाद वाले में, और हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे उसके बाद। डेसिमल से डेसिमल वाले में कैसे भाग देंगे, जैसे कि ले लेते हैं कोई नंबर 2.346, इसको डिवाइड करना है 0.012 ले लेते हैं, है ना। अब इससे डिवाइड करना है, नीचे भी डेसिमल में ऊपर भी डेसिमल में, क्या करेंगे तो एक काम करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं, किसका, नीचे वाले का, नीचे वाले डेसिमल हट गया तो उसका पहाड़ा पढ़ना आसान हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे नीचे वाले। कैसे हटाएंगे, डेसिमल के पास दो नंबर हैं तो 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 से, 100 में 2 जीरो हैं, ऐसे ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जितने मल्टीप्लाई किए उतना ही ऊपर से, यानी कि किसी का मल्टीप्लाई नहीं किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू सेम रहेगी, इससे ये कट जाए 100 से 100 वन बार में तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो की वजह से डेसिमल इसका 1 अंक 2 अंक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 12, इसका डेसिमल हट गया, डेसिमल यहाँ आ गया। अब इसके बाद दशमलव लगाएं या ना लगाएं, ऊपर क्या होगा, ऊपर भी 2 अंक कूदेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अंक 2 अंक 4 के बगल में, तो 234.6 ये हो जाएगा। अब 12 से इसको भाग देते हैं, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, तो 12 से भाग देते हैं यहाँ पर 234.6, ऐसे होगा 234.6। अब 12 से पारा पढ़ते हैं, 23 से छोटा, 12 × 2 = 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 × 12, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1 = 4, 12 × 96, 12 × 108, 12 × 108 यहाँ आ जाएगा 6, ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल है तो इसको इधर भेजेंगे, दशमलव यहाँ आ गया और यहाँ पर 6 उतर गया, 12 × 12 = 66, 12 × 25 = 60, 60 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, ये कट गया, डेसिमल लगाए हैं तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर 12 × 25 = 60, पूरा पूरा कट गया।
तो इस तरह सॉल्व करेंगे। यदि नीचे मान लेते हैं हमारा यहाँ पर डेसिमल के बाद दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक रहता, तब किसका गुणा करते हैं, तब एक जीरो वाले से यानी कि 10 का गुणा करते हैं। तीन अंक रहता तो 1000 का गुणा करते हैं, 1000 का, तीन जीरो रहते हैं उसमें, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर जो ये डेसिमल है उधर चला जाए और हट जाए नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं हटा तब भी कोई बात नहीं, जब डेसिमल से भेंट होगा तो उसको उधर भेज देंगे। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं एडिशन का, 2.34 में ऐड करिए 58.96 को, क्या आएगा? सेकंड है यहाँ पर 5 में से माइनस करिए 2.34 को। थर्ड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 4.28 में मल्टीप्लाई करिए 3.2 से। और फिर है फोर्थ क्वेश्चन हमारा डिवीज़न का, ये हो जाता है 4.66 अपान यहाँ पर ले लेते हैं हम 8 से डिवाइड करना है इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।